प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपको रस के भेद के अंतर्गत श्रृंगार, करुण और हास्य रस का अध्ययन किया था। अब हमें आगे इसी रस के भेद वीर रस का अध्ययन करेंगे कि वीर रस किसे कहते हैं। तो वीर रस की परिभाषा, इसका स्थाई भाव उत्साह है। वीर रस का स्थाई भाव क्या है? उत्साह है। जहां विभाव अनुभाव और संचारी भाव का उत्साह नामक स्थाई भाव से, यानी जहां विभाव अनुभाव और संचारी भाव इन तीनों का किसे उत्साह नामक स्थाई भाव से क्या होता है, संयोग होता है, तो ये चारों जब रस के अंग आपस में मिलते हैं तो इसकी प्राप्ति होती है। हमें यहाँ पर हमें वीर रस की प्राप्ति होती है। देखिएगा एक बार फिर से कि इसका स्थाई भाव उत्साह है। जहाँ विभाव भाव और संचारी भाव का उत्साह नामक स्थाई भाव से संयोग होता है, वहाँ पर वीर रस की प्राप्ति होती है। अब हम उदाहरण देखते हैं। आए होंगे यदि भरत कुमति वस वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लच चुनूंगा क्षण में, प्रतिशीध याद का भी न सुनूंगा रण में। लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे भैया, अगर भरत जी बुरे विचारों के साथ, कुमति मीन्स होता है बुरा, मत मीन्स विचारों के साथ यदि भी वन में आ रहे होंगे, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, तो मैंने भी अपने मन में यह संकल्प ठान लिया है कि उनको इस स्वर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, क्षण भर में ही उनको अपने इस बाढ़ का क्या है लक्ष्य बना लूंगा, शिकार बना लूंगा, प्रसिद्ध आपका बिना सुनूंगा रण में, और मैं जब उनसे युद्ध करूंगा, उन पर अपने बाणों का प्रहार करूंगा, तो आप रोकेंगे भी तो मैं रुकने वाला नहीं है, मैं आपकी भी बात सुनूंगा नहीं। देखिएगा यहाँ पर भरत कि वन में आने और उनको आने की सूचना सुनकर के लक्ष्मण का क्रोधित होना है, इसे का वर्णन किया गया है। देखिएगा यहाँ पर अस्थाई भाव क्या है, उत्साह है, क्योंकि लक्ष्मण जोश में आकर के, उत्साह में आकर के राम से ऐसी बात कहते हैं, तो यहाँ पर अस्थाई भाव उत्साह है। उद्दीपन भरत का वन में आगमन, पहले आलम्बन देखते हैं, आलम्बन भरत, क्योंकि लक्ष्मण के अंदर भाव उत्पन्न करने का कारण कौन है, भरत है, तो इसलिए आलम्बन कौन है, भरत है। और इसके बाद है उद्दीपन भरत का वन में आगमन, क्योंकि लक्ष्मण के अंदर ये भाव तब उत्पन्न होता है जब वह भरत के वन में आने का समाचार सुनते हैं, तो इसलिए उद्दीपन क्या है, भरत का वन में आगमन। संचारी भाव उग्रता है, वह क्या है, भरत से युद्ध करने के लिए उग्र हो जाते हैं, उत्सुकता है, भरत से युद्ध करने के लिए वह उत्सुक हो जाते हैं, और उनके अंदर क्या है, चपलता जाती है। ये संचारी भाव क्या है, उग्रता, उत्सुकता और चपलता आदि संचारी भाव है। अब हमें देखते हैं अगले रस के बारे में। अगला रस है शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं, तो देखिएगा इसका स्थाई भाव निर्वेद है। शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव की संयोग से निर्वेद स्थाई भाव रस दशा को प्राप्त होता है। जब निर्वेद नामक स्थाई भाव क्या, ये निर्वेद जो स्थाई भाव है, यह जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तो यह शांत रस को प्राप्त होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अपना सिंह तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मेरा जो कुछ भी था नष्ट हुआ, लेकिन अब आगे मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। मतलब मैं अज्ञानता में, अंधकार में, माया मोह में फंसा हुआ था, मैंने अपने जीवन को जो अंश बर्बाद हुआ तो बर्बाद हो गया, लेकिन आगे क्या है, बर्बाद नहीं होने दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, भगवान राम की कृपा मुझ पर हुई, जिससे मेरे ऊपर से क्या है संसार रूपी भव निशा, सांसारिक जो ये रात्रि अंधकार है ये क्या है समाप्त हो गया है, जागृत किरण
संकट से मैं इस अज्ञानता से अंधकार से एक बार जग गया हूँ, अब मैं दोबारा इसमें नहीं प्रवेश करूंगा, इसमें नहीं डूबूंगा। अस्थाई भाव है निर्वेद, अनुभाव है राम के चरणों में रति, क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास का राम के चरणों के प्रति क्या है, प्रेम है, तो यहाँ पर अनुभाव क्या है, राम के चरणों में रति। संचारी भाव है धीति वितर्क मति, और उद्दीपन है इंद्रियों द्वारा उपहास, आलम्बन है राम की कृपा, क्योंकि तुलसीदास को यह विश्वास है कि अगर हम राम की शरण में जाएंगे तो हमें क्या है, हमारा कल्याण होगा, तो यहाँ पर राम की कृपा ही क्या है, आलम्बन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थाई भाव निर्वेद, आलम्बन राम की कृपा, अनुभव राम के चरणों में रति, उद्दीपन इंद्रियों द्वारा उपहास, और संचारी भाव मति आदि हैं। और हम अब सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो रस है, अंश है, वह यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।